पुलिस एंड इंस्पेक्टर मनोज एंड जिलानी क्राइम सीन गए और जैसे कि वहाँ के वाकया का पूरा जानकारी करने के बाद वो जो स्ट्रीट में महल में जो सीसी कैमरा लगाया गया था उस कैमरे से जैसे थोड़े सस्पेक्ट को लोग आइडेंटिफाई करके तीन टीम को भेजा गया। सो जो टीम निज़ाम सागर गई वहाँ पर तीन आदमी मिले, एक उसमें लेडी एक मंगा स्वरूपा एंड कृष्णा एंड राजू उसके साथ दो मरदे भी थे। तो उनके पास से प्रॉपर्टी इंटैक्ट मिला और इमीडिएटली अरेस्ट किया गया उन लोगों को। तो इस क्राइम को डिटेक्ट करने में सीसीटीवी का ज़्यादा रोल था और हम ऑलरेडी बोल रहे हैं नैनो सेतम प्रोग्राम के अंदर और किसी भी प्रोग्राम के अंदर जैसे कि हम चाह रहे हैं कि पब्लिक से जैसे कि कैमराज लगाए, एक 10 आदमी का भी अगर ग्रुप बन गया, एक एक 2000 भी अगर डाल देते कैमरा आता और उस कैमरे से जैसे कि आप अपने पूरी गली की जैसे कि निगरानी कर सकते और एक कैमरा जैसे कि 100 पुलिस वालों से ज़्यादा होता, क्योंकि जैसे कि कैमरा जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको अरेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसमें जैसे कुछ गलतियाँ नहीं होती उससे, जो एज इट इज़ जो हुआ वो महीने में वो गली में जो भी हुआ उसको एज इट इज़ रिकॉर्ड होता और जैसे उससे जैसे कि आदमी का मूवमेंट पता करने में और जैसे कि कौन आए कौन गए मालूम करने में जैसे ज़्यादा मदद मिलती। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसके छत्रनाका के और फलकनुमा डिवीजन के लोगों से और सबसे कि जैसे कि सीसी कैमराज लगाए और हैदराबाद को क्राइम फ्री सिटी बनाने में अपना ताउन करें।